गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास प्लस वन मैथ्स यूनिट वन एक्सरसाइज 1.5। हमारे पास 1.5 में जो क्वेश्चन रहते हैं वो हम मैक्सिमम क्वेश्चन में यूनियन और कंप्लीमेंट पढ़ेंगे। ये यूनियन क्या होता है, जिसमें यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। और जैसे ही हमारा कंप्लीमेंट होगा तो हम जैसे ही कंप्लीमेंट लिखेंगे तो यूनियन से हम सारे के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सब्सट्रैक्ट करते हैं, लेफ्ट करते हैं, जो बचे हुए एलिमेंट राइट करते हैं। तो अब हम राइट कर लेते क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन में यूनियन दिया है, रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और इसमें दिया है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और हमारे पास ए 1, 2, 3, 4 एंड बी दिया है हमारे पास बी 2, 4, 6, 8 और सी दिया है 3, 4, 3, 4, 5, 6। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिए पहले से। मुझे निकालना क्या है, फर्स्ट जो पार्ट है इसका ए कंप्लीमेंट, जो डैश सा लगता है वो कंप्लीमेंट रहता है। अब मुझे करना क्या है, जब भी मैं ए डैश निकालूंगा तो मुझे ये यूनियन से, इस यूनियन से जो ये एलिमेंट है सारे के सारे मिस कर, जैसे 1, 2, 3, 4 है, तो ये 1, 2, 3, 4 राइट नहीं करने, करने कौन से राइट है 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 5, 6, 7, 8, 9। तो जैसे अब दूसरा है बी डैश, दूसरा है बी डैश, बी डैश राइट करना है दोबारा यूनियन से, हमें टाइप क्या करना है 2, 4, 6, 8। तो हम जैसे ही 2, 4, 6, 8 राइट करेंगे 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, हमने ये भी राइट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखियो इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन का क्वेश्चन लिखा है हमारे पास थर्ड है ए यूनियन सी। तो मुझे पहले क्या निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है। तो जब भी यूनियन होगा तो इसमें क्या करते हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन में हम सारे के सारे मिला के लिखते हैं, सारे के सारे राइट कर लेंगे। जैसे कौन से रिपीट नहीं करेंगे, 1, 2, 3, 4 है, इसमें 2, 4, 5, 6 का 1, 2, 3, 4 है, 3, 4, 5, 6 1, 2 आ गया, 3, 4 यहाँ पे 3, 4 है, बचा गया 5 एंड 6। तो अब मुझे निकालना क्या है इसका डैश, कंप्लीमेंट निकालना। तो मुझे पूरा की पूरा ये जो एलिमेंट्स है ये से लेफ्ट कर रहे हैं, तो देखेंगे 1, 2, 5, 6 है, तो बचेगा क्या 3, 4, 7, 8, 9। हमारा थर्ड का आंसर भी आ गया 3, 4, 7, 8, 9। हमने थोड़ा सा 1, 2 था, 3, 4 के बीच 3 आना था, 3, 4 भी आएगा। और जैसे हमने ये मिस किया 3, 4 नहीं आया, 7, 8, 9 नहीं आएगा। दोबारा देख लो किया क्या, यूनियन लगाते हैं तो सारे के सारे टर्म लिखते हैं और रिपीट नहीं कर रहे, 1, 2 लिखा, 1, 2, 3, 4 3, 4 भी आएगा और 5, 6 भी। जब डैश लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट तो यूनियन से उस चीज को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं और आंसर आ जाता है। हमारे पास इसके और भी क्वेश्चन, हम और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास इसका फोर्थ जो पार्ट रहता है वो है ए यूनियन बी डैश। मुझे निकालना क्या है, ए यूनियन बी। तो ए के एलिमेंट्स ये लिखे हैं, बी के ये लिखे हैं, तो सारे के सारे हम इकट्ठे करके लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8 राइट कर लिए। हमने लिखा 1, 2, 3, 4 याद रखा, 2 आ गया एक बार, 4 भी आ गया, 6 और 8 बचा था वो भी लिख दिया। तो मुझे क्या निकालना है, ए डैश। जब भी लिखूंगा तो ये सारे के सारे कट हो जाएंगे, कौन कौन से 1, 2, 3, 4 बचा क्या है 5 और 7 बचता है और 9। हमारे पास फोर्थ का आंसर आ गया 5, 7, 9। तो इसी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रहता है फिफ्थ पार्ट वो है ए डैश, तब 2 बार आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर वो लिख रहा हूं, ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4 बचेगा क्या उस टाइम 5, 6, 7, 8, 9।
इसका दोबारा से करना है। जब दोबारा से करेंगे तो बचेगा, अब ये चीज यूनियन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 बचेगा हमारे पास। आंसर क्या है? 1, 2, 3, 4। जो लास्ट पार्ट है इसका, जो लास्ट पार्ट रहता है 6। तो 6 पार्ट है वो राइट कर रहे हैं, 6 पार्ट है बी माइनस सी डैश। अब बी से जब सी को माइनस करेंगे तो जो बी में बचेंगे वो राइट कर लेंगे, तो ये बी में बचते हैं सिर्फ कौन से सी, देखो यार 2, 4, 6, 8 था, तो यहां पे 2 है नहीं, 4 है 6 है, तो इसमें क्या रहेगा, 4 चला गया 6 भी चला गया, तो बचा क्या सिर्फ 2 एंड 8, ये बचा। अब मुझे डैश निकालना है इसका, क्या निकालना है, डैश, डैश लगा दिया पूरे के पूरे, जब डैश निकालेंगे इसका तो आ जाएगा डैश में 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही पे ओवर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दोबारा से यही करना है हमें, हमारे पास यू दिया है, यू इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैंने राइट कर लिए सारे के सारे अल्फाबेट। मुझे निकालना क्या है, निकालना मुझे, मेरे पास हर बार क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन में सारे के सारे राइट कर रहा हूं, अब 4, 2 ए बी सी डी, ए भी दिया है ए बी सी, मुझे ए डैश निकालना है, डी डी के बाद दिया है ई एफ जी, उसके बाद दिया है ए सी ई जी, नेक्स्ट दिया है एफ जी एच ए। तो अब मैं इसका आंसर निकालूंगा जो ए डैश रहेगा, तो क्या होगा, इस पूरे यूनियन से हम एबीसी राइट करना बंद कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा डी ई एफ जी एच। तो वैसे ही नेक्स्ट के भी निकाल लें, अब होमवर्क रहेगा बी डैश निकालोगे, सी डैश और डी डैश, इनके आंसर निकालेंगे। थैंक यू।